मेरा एक YouTube चैनल था जिसपे 80 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं और वो मेरा चैनल डिलीट हो गया। क्यों YouTube इतने बड़े बड़े शॉर्ट चैनल को डिलीट कर रहा है, मतलब क्या रीजन है कि भाई इतने बड़े बड़े चैनल डिलीट हो रहे हैं? एंड प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप भी वही गलती कर रहे होगे तो भाई आप अपना चैनल खो सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो पूरी टिल द एंड देखना ताकि आप वो गलती ना करो। तो देखो इतने बड़े बड़े चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, जैसे कि जीएसके गुरु वाईटी जिसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर है और वो अभी रिसेंटली अभी डिलीट हो चुका है। अब जैसे कि मिस आलसी और फैक्ट वॉइस, ऐसे ही काफी सारे शॉर्ट्स, बड़े बड़े शॉर्ट चैनल भाई इनके मिले, तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी इतने बड़े बड़े चैनल्स को खड़ा करने के लिए। अब देखो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आपके 1000 सब्सक्राइबर है या फिर मिलियंस में सब्सक्राइबर है, YouTube बिना सोचे समझे आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा, डिलीट कर देगा अगर आप भी यही गलतियां कर रहे होगे तो। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि भाई ऐसी कौन सी गलती की इन सब ने जिसकी वजह से इनका चैनल जो है इतना बड़ा चैनल डिलीट हो चुका है। तो अगर आप भी अपना चैनल बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका शॉर्ट चैनल डिलीट ना हो, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड प्लीज मैं प्रे करूंगी कि भाई प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ कि अगर आप वो गलती करोगे तो भाई आपका भी चैनल डिलीट हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो गलतियां जो होगी वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो। गलती नंबर 1 है रिपीटेड वॉयलेंस। अब रिपीटेड वॉयलेंस को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे चैनल डिलीट हुए हैं। क्योंकि रिपीटेड वॉयलेंस ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, तो इसलिए वो एक गलती कर बैठते हैं और भाई यूट्यूब इनका चैनल जो है वो डिलीट कर देता है। तो देखो अगर आप किसी का भी जो भी क्लिप है अगर आप यूज करते हो, जैसे कि किसी आप वीडियो यूज कर रहे हो और उसमें अगर आप अपनी वॉइस ओवर कर रहे हो, अपनी खुद की एडिटिंग स्किल एड ऑन कर रहे हो उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर या फिर वीडियो के लाइक गेन करने के लिए अगर आप किसी की साउंड क्लिप यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने ज्यादातर शॉर्ट्स वीडियो में देखा था कि वो मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो जो क्लिप है वो यूज कर रहे थे, जैसे कि सब्सक्राइब करो दिस वन। तो देखो अगर आप किसी की भी साउंड क्लिप यूज कर रहे हो उसमें उनका ओरिजिनल कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो YouTube क्या सोचेगा कि आप भाई रिपीटेड वॉयलेंस कर रहे हो, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप अपनी वीडियो में ये चीज यूज करोगे ना, तो YouTube सोचेगा कि ऑलरेडी ये अपलोडेड है, फिर भी आप इसे यूज कर रहे हो तो भाई वो तो इसीलिए रिपीटेड वॉयलेंस के तहत YouTube आपका चैनल डिलीट कर सकता है। अब देखो मैंने काफी सारे शॉर्ट्स क्रिएटर को देखा है कि वो अपनी शॉर्ट वीडियो में महादेव की कसम या फिर माँ की कसम देते हैं, तो ये भी रिपीटेड वॉयलेंस के अंदर ही आता है। तो इसलिए अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो अभी से करना बंद कर दो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जीएसके गुरु वाईटी भी ये सेम गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना 7 मिलियन वाला चैनल डिलीट कर चुके हैं। अब देखो उनका चैनल अभी रिसेंटली डिलीट हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि भाई उन्होंने रिपीटेड वॉयलेंस के चक्कर में अपना चैनल डिलीट कर दिया है, और 7 मिलियन वाला चैनल ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ये आप भी जानते हो कि जब आपके 1K कंप्लीट होंगे तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो आप सोच सकते हो कि भाई 7 मिलियन वाला चैनल तो डिलीट होगा तो उनपे क्या बीत रही होगी। तो आप भी अगर ये गलती करो तो अभी से करना बंद कर दो। अब बात कर लेते हैं कि गलती नंबर 2। देखो गलती नंबर 2 ये है कि अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो में एक्सीडेंटल या फिर कोई फायर या फिर चाइल्ड अब्यूज या फिर उसमें ऐसा दिखाया गया है कि भाई ऑडियंस को हार्म हो या फिर किसी एनिमल को हार्म हो रहा है आपकी वीडियो के अंदर, तो उसकी वजह से भी YouTube आपका चैनल डिलीट कर देगा। तो आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसी अगर आप भी गलती कर रहे हो, अगर आपकी वीडियोज में ऐसी कुछ गलतियां हैं तो उसे अभी से करना बंद कर दो, वरना आप अपने चैनल से हाथ धो बैठोगे। और अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। अब देखो गलती नंबर 3 है फेक स्पॉन्सरशिप। अब काफी सारे लोगों को अगर स्पॉन्सरशिप के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जब आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाता है ना, तो जो ब्रांड होते हैं और जो वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई उनका जो भी ऐप है या फिर प्रोडक्ट है, तो आपको उसे रिव्यू करना होता है, एज अ स्पॉन्सर करना होता है, ठीक है। तो उसके बदले में वो आपको कुछ अमाउंट पे करते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे शॉर्ट्स क्रिएटर लालच में फंस जाते हैं पैसों के चक्कर में, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो किस चीज का या फिर किस ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। अब देखो काफी सारे पैसों के लालच में आकर ऐसी एप्लीकेशन का वो प्रमोशन कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को आपकी ऑडियंस को नुकसान हो सकता है। अब देखो ऐसी होती है कि काफी सारी बैटिंग एप्लीकेशन होती है जिसमें आप बोलते हो कि भाई उसमें आपको पैसे लगाने हैं। अब आपकी ऑडियंस ऐसे पैसों में फंस सकती है और भाई फ्यूचर में आपको उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये जो चीज है वो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसकी वजह से आपका जो चैनल है ना YouTube डिलीट कर देगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ये उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो अगर आप भी अगर स्पॉन्सर करना ही चाहते हो तो किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन का करो, जिससे क्या होता है जो कि आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपकी वो जो स्पॉन्सरशिप है वो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तब भी आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि मिस आलसी का चैनल डिलीट क्यों हुआ, जिसके भाई 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। तो आप सोच सकते हो कि 8 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में उनको कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टडी भी मैनेज करनी होती है, घर का काम एंड ऑल सब कुछ मैनेज करने के बाद उन्होंने इतना स्ट्रगल किया
तब जाके 8 मिलियन चैनल वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल खड़ा किया है। तो बहुत ज्यादा मेहनत तो है ही, और चुटकियों का काम तो नहीं 8 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, और बाद में पता चले कि भाई वो एक जो चैनल है जिसमें 8 मिलियन सब्सक्राइबर वो चुटकियों में डिलीट हो जाए, तो कितना ज्यादा वो इमोशनल अभी भी फील कर रही है। एंड मैं तो यही विश करूंगी कि जल्दी से जल्द उनका चैनल वापस आ जाए। अब मैं बता देती हूँ कि उन्होंने गलती क्या करी अपने चैनल पर। अब देखो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो वीडियो थी, वीडियो बनाने के लिए उन्होंने फेसबुक से एक वीडियो उठाई। अब क्या गलती ये हुई कि भाई वो जो वीडियो थी ना वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड थी, तो उस वीडियो के जो ओनर थे ना उन्होंने क्या किया उस चैनल पर भाई स्ट्राइक मार दी। किस पर? मिस आलसी के चैनल पर स्ट्राइक मार दी, और भाई कंटिन्यू 3-4 स्ट्राइक दे दी, जिसकी वजह से उनको संभलने का कोई मौका नहीं मिल पाया। कि भाई ऐसा मौका भी मिल जाता कि भाई वीडियो डिलीट हो जाती, बट उनको कुछ भी मौका नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अब वो 8 मिलियन वाला चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है। अब भाई यूट्यूब से अपील भी कर रही है वो, अब देखते हैं कि भाई मैं तो ये विश करूंगी जल्द से जल्द चैनल वापस आ जाए। अब देखो जो भी मैंने गलतियां बताई प्लीज उसे मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका भी चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। एंड आई नो कि आप सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एक चैनल को कंप्लीट खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो जो भी मैंने गलतियां बताई प्लीज उसे मत करना, वरना आप भी अपने चैनल से हाथ धो बैठोगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।